कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है हाँ, और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है, किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मोटिवेशन की कभी समस्या नहीं रहेगी, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको पता चलेगा। आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहां जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कठिन है। तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान ले और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दे, ठीक है। फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी है कि आपको लगता है हाँ यार सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं, किसी ने आपको बताया था नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करता, आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए, उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। बार बार किसी को ये जाके मत कहो मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है, फिर आपके अंदर एक ऐसी डिप्रेस पैदा होगी कि हर बार आप सिंपथी चाहेंगे, फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पास बैठे हैं जरा मुझे पुचकारे पुलकारे समय में जरा उत्साहित करे, मेरा लालन पालन करे। तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे। और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। हाय जीवन में मुसीबत आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा। मेरा नाम प्रतिभा है, मैं बल्ले पब्लिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने आज परीक्षा पर चर्चा नामक कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के जवाब देकर हमारा सही मार्गदर्शन किया। मेरा नाम जीए शर्मा है, मैं बल्लेपल्ली स्कूल की क्लास 10th में पढ़ता हूँ। आज के अवसर पर जहाँ पर मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा दी, जहाँ पर हमने देखा कि कई विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न पूछे जो कि हर विद्यार्थी के मन में आते हैं, उनके उत्तर मोदी जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से दिए जिन्हें हम समझ कर हमें भी प्रेरणा। मैं सर निशा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ बल्ले पब्लिक स्कूल। एज वी ऑल नो टुडे आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम ऑन परीक्षा पे चर्चा। हियर ही एड्रेस्ड अस विद मेनी ऑफ आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड द एग्जामिनेशंस, एंड वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस
have a fear related to their examination and other subjects, and they have many problems, guided us with many of our problems. He gave us a very beautiful example, like a container and a point, where he tell us, where he told us to concentrate our focus on studies while giving examination. Myself Devishkar Bhatt from Baldi Public School, Standard 10th. I am very inspired from Modi ji. Today on the occasion of the Pariksha Charcha, we are very motivated from the Modi ji, and Modi solve our problems and many of the students and their parents also ask their doubts and problems. Modi ji solve their problems by giving their views and many of the things. Thank you. मेरा नाम शिवानी शिगरवा है. मैं बल्देव पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ. आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम देखा, जिससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन फील हुआ. उसे देखकर सभी बच्चों को मोटिवेशन मिला. माननीय प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों के आंसर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया. उनके हर परीक्षा के समय आने वाले हर कष्ट के बारे में बताया. शर्मा, मैं बल्देव पब्लिक स्कूल की छात्रा कक्षा 10वीं की हूँ. आज जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2022 के बारे में उन्होंने चर्चा की, उन्होंने बच्चों को और विद्यार्थियों को बताया कि किस टाइप से हमें आगे जाके जो नंबरों में कम, हमारे पेपर्स में जो नंबर कम आते हैं, उससे हमें ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है बल्कि मोटिवेट होना है. उन्होंने आज सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया और ये भी बताया कि अगर तुम्हें कोई चीज़ डिमोटिवेट करती है तो क्या चीज़ है वो अपने पास पता करो. उन्होंने ये सिखाया कि हमें कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए. जो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर निकालना चाहिए, और जो भी हम जो चीज़ बाहर से हम सीख रहे हैं उसको अपने आप को वेट करना चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. मेरा नाम भगत सिंह है. मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ. बल्देव पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता हूँ और यूपी का रहने वाला हूँ. मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा की चर्चा आज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि किसी को देख के कुछ चलना नहीं चाहिए और अपनी कामयाबी अपने आप हासिल करनी चाहिए. बहुत से छात्रों ने उनसे प्रश्न पूछे, उन्होंने अच्छे से उनके उत्तर दिए और उन्होंने बताया हमको कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए. इससे हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. थैंक यू.